जपा कुसुम संकासं कश्यपें महादुदीं तमोरिं सर्व पापाग्निं प्रणतस्मि दिवाकरं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मुझ जत्से आचार्य रमेश चंद्र पंडा आपण मानक स्वागत जनावि। अत्य अगस्त मास 7 तारीख रविवार श्रीक्षेत्र झूलण यात्रारंभ कर्कट 22 दिन दशमी तिथि चंद्र अनुराधा नक्षत्र पीछा राशि सूर्योदय 5:27:33 और सूर्यास्त 6:16:54 जोगिनी उत्तरे रात्रि 11:42 गते अग्निकोणे यात्रा शुभ अदे देवता गठन नौका गठन और चाड़न वाणिज्यकरण ओहल प्रवाह और विजयोपन औषधीकरण और भक्षण नामकरण और दीक्षाग्रहण गत दिवस नक्षत्र राशि मानक काराचंद्र स्थिति दिव्य पांच फटिका गाते पूर्वाषाढ़ श्रवण सतभिषा उत्तराबद अश्विनी द्विजा रोहिणी आद्रा पुष्या मघा पूर्वा फल्गुनी हस्ताशती अनुराधा नक्षत्र मानक तारासुदी मेष राशि घात बार दिवादश फटिका 15 मिनट गते 1:27 मध्य बार कालबार राति 1:15 गते 2:29 मध्य कालरात्रि मृत पादोष अद्य दशमी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध कलम्ब शाग भक्षण निषिद्ध। दर्शक बंधु, ये थी आज पंजिका, आसंत जाणी दिन की किपर कटो मेष राशि। आज प्रियजन साक्षात मिल दूर जात्रा रा सुजोग मिल पारे, कोर्ट कचेरी मामलें आपण पक्ष पारे। वृष राशि निजर भावना को सकारात्मक रखु, मानसिक अशांति बढ़ी पारे, कारबार लग रही विशृंखला दूर हो। मिथुन राशि कार्यक्षेत्र आपण प्रदर्शन आसंठू अधिक भल रजनीति क्षेत्र लोकं समाज में प्रशंसा मिल। कर्कट राशि योजना तैयारी करी लागू करने को चेष्टा करेंगे, महिला मान लगे दिन की आरामदायक रहा। आज कम परिश्रम उच्च पद को उन्नत हो पारती। सिंह राशि दीर्घ दिन स्थगित कम संपूर्ण करेंगे, आपण सफलतार मार्ग में कह आसवाक दिंतु ना, स्वास्थ्य ठीक रहा। आज कन्या राशि मंदिर को ठाकुर दर्शन जापारती, आध्यात्मिक भावना समय बीत, धर्मग्रंथ आदि किणिकिणी, आर्थिक लाभ संभावना रही। तुलाशि घरे गुरुजन सहयोग पाए, कार्यक्षेत्र सब कम सहजरे संपूर्ण होवसायी ठू आशा ठू अधिक धन लाभ मिल। मिछराशि दिन की आपण लगी सब दृष्टि भल, कौन बंधु मध्यम धन लाभ होकल समाज में ख्याति बढ़ो। धनुराशि करसुवा कम भल परिणाम पाए, पदोन्नति संभावना रही, राजनीति में सफलता पाईपारती। मकर राशि सहकर्मी सहित तर्क वितर्क हो पाए, व्यवसाय आशाजनक फल पाए, आर्थिक चिंता दूर हो। कुंभ राशि जीवनसाथी ठू भल खबर शुणे, घर खुशी परेश रषधीय व्यवसायी को जथेष लाभ मिल। मीन राशि कारबार वृद्धि पर बड़ भाई को साय पाए, आपण को कौन बड़ दायित्व मिल पाए, आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हो।